नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। फर्रुखनगर खंड के गांव डाबोदा के राजकीय माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को रक्तदान कैंप लगाया गया। इसका शुभारंभ गांव की यशस्वी सरपंच श्रीमती नीता यादव ने क्षेत्र के भाजपा किसान नेता राव मानसिंह की मौजूदगी में किया। इस दौरान राव मानसिंह ने ग्राम पंचायत के द्वारा सफल आयोजन एवं पहल की मुक्तकंठ से ग्राम पंचायत की सराहना करते हुए कहा कि देहात के छोटे से गांव में रक्तदान कैंप सफलतापूर्वक लगवाना एक मिसाल है। सरपंच नीता यादव ने सभी के सहयोग की वे धन्यवाद किया। विशेष तौर पर उन्होंने रोटरी ब्लड बैंक की टीम एवं नवकल्प फाउंडेशन का आभार जताया। इसमें वर्तमान ग्राम पंचायत की पंच बबीता रानी एवं उसके पति कपूर सिंह द्वारा एक साथ किया गया रक्तदान चर्चा का विषय रहा। रक्तदान कैंप में लगभग 5 दर्जन महिला एवं पुरुष रक्तदान करने पहुंचे। रक्तदान कैंप का आयोजन ग्राम पंचायत डाबोदा द्वारा करवाया गया। यह कैंप थैलेसीमिया के मरीजों के लिए नवकल्प फाउंडेशन एवं रोटरी क्लब ऑफ साउथ सिटी गुरुग्राम की ओर से लगाया गया। इस कैंप में रोटरी ब्लड बैंक गुरुग्राम से डॉक्टर शून्य महिमा की टीम में शामिल मोहन, आशा से प्रीति, सरिता, कमलेश एवं डूंगर ने अपनी सेवाएं प्रदान की। नवकल्प फाउंडेशन की ओर से लगाया गया यह रक्तदान कैंप 8वां है। इससे पहले अलग अलग स्थानों पर 7 रक्तदान कैंप और लगाए जा चुके हैं। सभी कैंपों में युवाओं की भागीदारी सराहनीय रही थी। कैंप के दौरान स्कूल के मुखिया महावीर शास्त्री, समाजसेवी लक्ष्मण यादव उर्फ बबलू प्रधान, मास्टर महेंद्र शर्मा, रामदास, विजय कुमार, सतेंद्र, कृष्ण कुमार, दिलसुख एवं रामकिशन पंच मौजूद रहे। खिड़की वाले